मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनावी कैंपेन को एक पोस्टर जारी करके शुरू किया, जिसमें उन्होंने लिखा, खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ के खिलाफ दुष्प्रचार करो। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने पोस्टर जारी करते हुए बीजेपी के सभी आरोपों का खंडन किया। कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि आज आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के पास बस एक ही काम है कि कमलनाथ को बदनाम करो। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा 18 सालों में सरकार में है, यदि मैंने भ्रष्टाचार किया है तो सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल कांग्रेस ही खुशहाली ला सकती है। हम 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में खुशहाली लाने का एक नया स्लोगन दे रहे हैं, जहाँ हमारे पोस्टर बैनर लगेंगे, खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली। आज आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज़ में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कमलनाथ ने गौरक्षकों के सम्मेलन पर कहा कि हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं करते, हम करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में 1000 गौशालाएं हमने बनाई थी। मैं खुद छिंदवाड़ा के घर में गाय पालता हूँ, इसलिए नहीं कि हमें किसी को दिखाना है, बल्कि मेरी गाय में आस्था है। ये रिकॉर्ड बताती है कि हमने 1000 गौशाला बनाई थी। आज गौशाला का क्या है? ये गौ सेवा हमारे सामाजिक मूल्य का एक बहुत बड़ा अंग है। मैंने अपने घर में छिंदवाड़ा में गौशाला बनाई हुई है, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, भावना से। मेरे अपने घर में छिंदवाड़ा में, अपने गांव में गौशाला है। कमलनाथ ने आम आदमी पार्टी की एंट्री और रैली पर कहा कि आम आदमी पार्टी शहरी तमाशा करती है, आम आदमी पार्टी को गांव में कौन जानता है। उन्होंने कहा कि जनता को हेलीकॉप्टर देने का भी वादा केजरीवाल कर सकते हैं, कांग्रेस को कोई पार्टी कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। देखिए, मुझे किसी ग्रुप से कोई आ जाए, आज जनता बीजेपी को हराना चाहती है। आप का तो नाम नहीं सुना, गांव में पूछिए आम आदमी पार्टी क्या है। ये तो शहरी एक तमाशा है। ये क्या हो रहा है गांव में, आज पंजाब का क्या हाल है, ये सब बातें तो सामने आएंगी। और जिस पार्टी को जीतना ना होए, वही पार्टी आके जनता को बहुत सारे आश्वासन दे देगी। वो तो कहेगी मैं आपको स्कूटर क्या, मैं तो आपको हेलीकॉप्टर दूंगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।